अच्छा, द नेक्स्ट मेथड फॉर जॉब इवेलुएशन इज क्लासिफिकेशन मेथड। अब पहला जो था वो रैंकिंग मेथड था, जिसके अंदर हमने देखा अकाउंटेंट को, ऑफिस बॉय, हमने डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट ग्रुप्स वाली जॉब को हमने जो है एक ऑर्डर में लिखा उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बेस पे। क्लासिफिकेशन मेथड जो है उसमें क्या था कि उस कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मौजूदा तमाम जॉब्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बेस पे जो है आप रैंक अप कर रहे हैं। हमने उसमें कैटेगरीज भी बनाई, हमने ग्रुपिंग भी की बेस्ड ऑन जॉब इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके बावजूद हमने ये नहीं किया कि एक ग्रुप के अंदर हम रैंकिंग करें और बस उसको देखें। हमने देखा कि हमने ग्रुप अप करने के बाद भी कंपेंसेबल फैक्टर्स की बेस पे जॉब्स को रैंक अप किया और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप से बॉटम तक जो भी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आती हैं उन क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज को बिल्कुल इग्नोर करते हुए तमाम जॉब्स की एक ही सीक्वेंस में जो है वो रैंकिंग कर दी है। अब क्लासिफिकेशन मेथड जो है इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में मौजूद जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है और उनकी क्लासिफिकेशन या वो जो ग्रुपिंग ऑफ जॉब है उनकी रैंकिंग की जाती है। इसमें इंडिविजुअल जॉब्स की रैंकिंग नहीं की जा रही है। और ऑफ कोर्स ये भी प्री डिटरमिंड जो कंपेंसेबल फैक्टर्स हैं उसकी बेस पे देखा जा रहा होता है कि किसी जॉब के अंदर या एक जो ग्रुप ऑफ जॉब है, सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसमें ज़्यादा स्किल्स आर रिक्वायर्ड और लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी तरीके से उनमें हायर होती है। फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो सेकंड पे, रैंक जब करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप पे होगी, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेकंड पे आएगी, फिर थर्ड पे आएगी रैंकिंग वाइज जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और उसके बाद फोर्थ पे आएगी जो नॉन मैनेजेरियल वर्कर्स हैं या नॉन मैनेजेरियल जो जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग की जाती है और उन पूरी वो जो पूरे ग्रुप्स हैं जॉब्स के उनकी रैंकिंग की जाती है। जैसे हमने ग्रुपिंग किस तरीके से सेल्स जॉब हैं वो कौन सी हैं, क्लरिकल जॉब्स हैं उनमें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लरिकल जॉब्स कौन कौन से वाली हैं, उनका ग्रुप जो बनेगा या उनकी जो क्लास बनेगी वो क्लरिकल जॉब्स होंगी, शॉप जॉब्स हैं, इसी तरीके से वो एक अलग से ग्रुप बन जाएगा। इसमें आप देख लें जैसे ये एग्जांपल है कि क्लासेस में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में जिसको आपने टॉप पे रखा हुआ है रैंकिंग वाइज, यहाँ पे देखें एग्जेक्टिव्स आ रहे हैं, फिर स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं, फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं, लेस स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं। तो ये हमें पता है कि एग्जेक्टिव जो हैं वो टॉप पे आते हैं, फिर जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो आएंगे, और उसके बाद जिनको एक एवरेज लेवल की स्किल हासिल है वो एम्प्लॉयज़ या वो वाली जॉब्स आएंगी, और फिर वो जॉब्स जिनमें लेस स्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि उनकी जॉब ड्यूटीज़ जो हैं वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, या हम इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट की बेस पे देखें तो लेस स्किल्ड वर्कर्स और एग्जेक्टिव ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस जो है वो जॉब एग्जेक्टिव लेवल वाली जॉब्स होंगी, लेकिन जो लेस स्किल्ड वर्कर्स हैं वो तो इससे कहीं बहुत दूर आती हैं। तो इसी तरीके से इनकी रैंकिंग एग्जेक्टिव टॉप पे हैं या फर्स्ट क्लास के तौर पे उनको कंसिडर किया जाएगा। अब एग्जेक्टिव जो हैं उसके अंदर मल्टीपल जॉब्स हैं हमारे पास, जैसे ऑफिस मैनेजर है, डिप्टी ऑफिस मैनेजर है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपल रैंकिंग मेथड जो था कि उसमें हम देख रहे थे कि ठीक है ऑफिस मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, परचेजिंग असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट और मशीन ऑपरेटर, क्लर्क, ऑफिस बॉय, इन जॉब्स में से कौन सी वाली एक जॉब टॉप पे आती है, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ पे। लेकिन यहाँ पे हम ग्रुप वाइज रैंकिंग कर रहे हैं, एग्जेक्टिव्स हैं उनको एक ग्रुप एक क्लास कंसिडर कर लिया,
फिर हम सेकंड पे स्किल्ड वर्कर्स को जो है कंसिडर कर रहे हैं, थर्ड पे सेमी स्किल्ड वर्कर्स, और उनमें फिर डिफरेंट जॉब्स लिखी हुई हैं। सिर्फ ग्रुप्स की बेस पे रैंकिंग हो रही है क्लासिफिकेशन मेथड के अंदर, और अकॉर्डिंगली एग्जेक्टिव्स को जो है इन तमाम बाकी तमाम ग्रुप से ज़्यादा पे किया जा रहा होगा। इसी तरह स्किल्ड वर्कर्स हैं तो इनको, क्योंकि ये रैंकिंग में सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो इन लोगों को एग्जेक्टिव्स के मुकाबले में कम, लेकिन सेमी स्किल्ड वर्कर्स और लेस स्किल्ड वर्कर्स से ज़्यादा पे किया जा रहा होगा। अब इसमें मज़ीद हम अगर ये कैटेगरीज में देख लें कि, या इस क्लास में, इस ग्रुप में देख लें कि परचेजिंग असिस्टेंट, कैशियर और रिसीट क्लर्क कौन सा टॉप पे आएगा और कौन सा सेकंड थर्ड पे, हम इनकी रैंकिंग कर लें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हम रैंकिंग कर रहे हैं। एक ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट जॉब्स हैं उनकी हम रैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो मेजर रैंकिंग है वो हमारी जॉब ग्रुप्स की बेस पे है। इसलिए इसको क्लासिफिकेशन मेथड कहा जाएगा, ना कि सिंपल जो रैंकिंग मेथड है वो। थर्ड मेथड है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या होता है कि वेरियस आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया, स्किल, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पे वी आर ब्रेकिंग डाउन द जॉब्स इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक को फिर अकॉर्डिंगली डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो इन क्राइटेरियाज को असाइन किए जाएंगे। जैसे स्किल है, स्किल जिस जॉब में हाईएस्ट स्किल विल बी रिक्वायर्ड उसको ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, जिस जॉब में कम स्किल्स होंगी रिक्वायर्ड होंगी उसको थोड़े कम पॉइंट्स देंगे। इसी तरीके से जिसमें जैसे सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उसमें, और लेस स्किल्ड वर्कर्स, तो सेमी स्किल्ड वाले जो हैं उनमें स्किल लेवल थोड़ा कम है तो उनको कम पॉइंट्स मिलेंगे उन जॉब्स को, और जिनमें लो लेवल ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है उनको कम पॉइंट्स असाइन किए जाएंगे। फिर अप्रोप्रिएट वेट्स, यही हमारे जो इनकम्पेंसिबल फैक्टर या इन आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया की बेस पे हम डिफरेंट जॉब्स में इवेलुएशन करते हुए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया किस जॉब में ज़्यादा रिक्वायर्ड है और किस में लो या मॉडरेट लेवल पे, अकॉर्डिंगली हम पॉइंट्स या वेट्स असाइन कर रहे होते हैं। अप्रोप्रिएट वेट्स आर गिवन डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्राइटेरिया टू परफॉर्मिंग द जॉब। वही चीज़ के जो एफर्ट्स या स्किल्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस जॉब में ज़्यादा है उसको ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे, ज़्यादा वेट्स असाइन किए जाएंगे, फिर उससे कम किस में है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, अकॉर्डिंगली उनके पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे। फिर उन जॉब्स के अंदर, जैसे एक जॉब में स्किल के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एफर्ट के डिफरेंट पॉइंट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन तमाम को सम अप किया जाएगा, इन तमाम पॉइंट्स को। फिर जो टोटल पॉइंट्स हैं वो एक जॉब के टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं दूसरी जॉब के, तीसरे के, तो जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो टॉप पे आएगी। फिर उससे कम पॉइंट्स जिसके होंगे वो सेकंड नंबर पे आएगी जॉब, फिर उससे भी कम जिसके पॉइंट्स होंगे वो थर्ड नंबर पे आएगी। तो हम इस तरीके से फिर रैंकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन पॉइंट्स जो कंपेंसेबल फैक्टर्स हैं या जो क्राइटेरिया है उसकी बेस पे हम हर जॉब में हर क्राइटेरिया को डिफरेंट पॉइंट्स एलोकेट करते हुए उस जॉब के तमाम पॉइंट्स को सम अप करके फिर रैंकिंग कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंगली फिर पे स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। जैसे फर्स्ट डिग्री सपोज कहा जाता है कि वो जॉब्स जिनके अंदर रूटीन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना पड़ती हैं कंसिस्ट ऑफ रेपिटेटिव ऑपरेशंस रिक्वायरिंग लिटिल और नो चॉइस ऑफ एक्शन एंड द ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ इजीली अंडरस्टूड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। क्लर्क्स की जॉब होगी सपोज, फाइलिंग क्लर्क है, उसने वही स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसके अंदर चीज़ें फिल करनी हैं और डेली वो यही काम करेगा, तो वो फर्स्ट डिग्री जॉब उसको कहेगी, कहा जाएगा, या हम कह सकते हैं कि उस जॉब के अंदर जो जॉब कॉम्प्लेक्सिटी है वो फर्स्ट डिग्री लेवल की है, और फर्स्ट डिग्री लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी जिस जॉब के अंदर होगी उसके कम पॉइंट्स होंगे।
फिर सेकंड पे थोड़ा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं और लिमिटेड डिसीजंस भी आपको लेना पड़ते हैं। और ये जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं था, यहाँ तो जैसे कोई एक रोबोटिक टाइप की जॉब थी, तो उसमें जॉब कॉम्प्लेक्सिटी लोएस्ट थी। अब सेकंड रैंक में या सेकंड डिग्री में वो जॉब्स आएंगी जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, तो उनके पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से जो थर्ड डिग्री कॉम्प्लेक्सिटी किसी जॉब के अंदर होगी, उसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स हो सकता है रिक्वायर्ड हो, जो कि एक टाइम में एक इंडिविजुअल को परफॉर्म करना पड़ती है, या मल्टीपल तरह की डिसीजन मेकिंग उसको करना पड़ रही हो, तो वो थर्ड डिग्री कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर आएगी और उसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ डिग्री कॉम्प्लेक्सिटी में ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। तो जॉब कॉम्प्लेक्सिटी जिन जॉब्स में फर्स्ट डिग्री की है उनको 120 पॉइंट्स मिलेंगे, जिनमें सेकंड डिग्री की है उनको 240, तो ये देखा जाएगा। उससे पहले वी नीड टू मेंशन के फर्स्ट डिग्री में जो आप एक क्राइटेरिया जिसकी बेस पे जॉब को इवेलुएट करने जा रहे हैं, वो कौन से लेवल का होगा, तो उसको आप फर्स्ट डिग्री कहेंगे। और सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लोएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें होगी वो फर्स्ट डिग्री होगा, थोड़ी हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड डिग्री जॉब होगी, या हम सेकेंड डिग्री रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जॉब में कहेंगे, और अकॉर्डिंगली उसके पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। फिर जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम जॉब्स जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनमें जिस जॉब में सबसे ज़्यादा लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो उस जॉब के अंदर फिफ्थ डिग्री लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इट डिज़र्व के उसको 600 पॉइंट्स दिए जाएँ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 120 240 यही वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स वेरी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन कितने पॉइंट्स किस डिग्री को असाइन करना चाह रही है। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें तो इसमें जॉब फैक्टर्स हैं स्किल्स, फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन, ये कंपेंसेबल फैक्टर्स हैं, या जो हम आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया कह रहे थे, ये वो चीज़ें हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी बेस पे यू आर गोइंग टू इवेलुएट दी जॉब्स। इसमें फर्स्ट डिग्री में आप समझते हैं कि स्किल जो है वो किसी एक जॉब के अंदर, ये कोई भी एक जॉब हम एक्स वाई जी ले सकते हैं, या हम एक जॉब में जो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ स्किल्स, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फिजिकल एफर्ट, ये वो एक चार्ट हो गया कंप्लीट। इनमें से अब हम देखते हैं कि किसी भी एक जॉब में ये हो गया स्किल लेवल 10 है सपोज, फिजिकल एफर्ट उसमें 24 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें 14 उसके पॉइंट्स बनते हैं, वर्किंग कंडीशन 6 होते हैं। तो अब आपने इन तमाम पॉइंट्स को ऐड अप कर लेना है, और जो भी एक जॉब जिसको इवेलुएट कर रहे हैं आपने वो टोटल कर देना है, उस जॉब के लिए आपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये तमाम जो टोटल पॉइंट्स हैं तमाम डिग्रीज की बेस पे और तमाम आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स की बेस पे, इनका टोटल 540 है। तो 540 में से आपने देखना है कि एक जॉब जिसको आपने उसके रेटिंग या उसके वेट्स की बेस पे टोटल जो उसके स्कोर हैं वो ऐड करने के बाद जो टोटल आया, आपने देखना है कि 540 में वो क्या बन गया, ठीक है, आपने उसको लिख लिया। फिर सेकंड जॉब जिसको आप इवेलुएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया, उसमें सपोज यहाँ पे आपको लगता है कि स्किल लेवल जो है उसमें वो थर्ड डिग्री का आ रहा है, तो 30 पॉइंट्स हैं। फिर फिजिकल एफर्ट 16 है सपोज, फिर मेंटल एफर्ट 20 है, 21 है, 18 है, तो अब इन पॉइंट्स को आपने सम अप कर लेना। उसके बाद आप देखेंगे दोनों जॉब्स में किसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, उसको टॉप पे रखेंगे, दूसरी जॉब को जिसके पॉइंट्स उससे कम है उसको सेकंड पे रख लेंगे। इसी तरीके से तमाम जॉब्स की इवेल्यूशन हो रही होती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसी तरीके से जॉब कॉम्प्लेक्सिटी है, टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स 600 है कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से,
आपने देखना है कि आप जिस जॉब को इवेलुएट कर रहे हैं उसमें जॉब की कम्प्लेक्सिटी का वो फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री। कम्प्लेक्सिटी उस जॉब में सबसे कम है या थोड़ी ज़्यादा है, क्या वो रूटीन बेस्ड टास्क करता है या थोड़ा उसमें डिसीजन मेकिंग करता है, या वराइटी ऑफ स्किल्स उसमें यूज़ होती हैं, थोड़ी मल्टीपल टाइप की डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है। अकॉर्डिंगली उस जॉब ड्यूटीज़ की बेस पे आप देखेंगे कि कम्प्लेक्सिटी का लेवल उस जॉब के अंदर क्या है, पॉइंट्स असाइन करेंगे। फिर उसी जॉब में एफर्ट्स का लेवल क्या है, पॉइंट्स असाइन करेंगे। वर्किंग कंडीशन के पॉइंट्स असाइन करेंगे। फिर इन तीनों का सम अप करके आप देखेंगे टोटल पॉइंट्स उस जॉब के कितने बनते हैं। इसी तरीके से तमाम जॉब्स के पॉइंट्स ऐड अप करने के बाद फिर रैंकिंग की जाएगी कि टॉप पे कौन से जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, फिर उससे कम वाले सेकंड पॉइंट पे, सेकंड नंबर पे या सेकंड रैंकिंग पे आएगी, फिर जिसके उससे कम पॉइंट्स होंगे उसको थर्ड रैंकिंग पे लाया जाएगा।